नवाबगंज में निकाली गई राम रथ यात्रा, हजारों का सैलाब। खबर जिला बरेली तहसील नवाबगंज से। आपको बताते चले कि नवाबगंज में राम मंदिर निर्माण के लिए निधि संग्रह हेतु एक राम रथ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बैनर तले रथ यात्रा का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें राम भक्त 15 जनवरी से नवाबगंज कस्बे में घूमकर हर घर से राम मंदिर निर्माण भूमि के लिए चंदा इकट्ठा करेंगे, जिसकी जो श्रद्धा हो उतना चंदा राम रथ मंदिर निर्माण के लिए निधि के रूप में दान कर सकता है। राम भक्त 15 जनवरी से नवाबगंज में हर घर पर करेंगे चंदा इकट्ठा यात्रा। माया हॉस्पिटल से प्रारंभ होकर नवाबगंज के मुख्य मार्ग तथा नवाबगंज के बाईपास से होते हुए नवाबगंज के अंबेडकर पार्क पर समापन हुआ, जिसमें नवाबगंज के क्षेत्रीय विधायक केसर सिंह गंगवार, विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष अखिलेश गंगवार, विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री सुनील जी, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष रविंद्र सिंह राठौर, भाजपा नेता नीरेंद्र राठौर, व्यापारी नेता कामेश पांडे, सभासद वीरेंद्र उर्फ लल्लू गुप्ता, भाजपा नेता प्रशांत गुप्ता उर्फ लालू, व्यापारी नेता राजीव शुक्ला, विश्व हिंदू परिषद के कमल किशोर शर्मा, माया हॉस्पिटल के डॉक्टर आशुतोष गंगवार व डॉक्टर मीनाक्षी गंगवार रामदेव, विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड मंत्री सूरज पाठक आज, विश्व हिंदू परिषद नरेश चंद्र गंगवार समेत हजारों युवा सम्मिलित रहे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए राम बाबू पटेल की खास रिपोर्ट।